नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, जितने भी हमारे क्रिकेट लवर्स हैं वो क्रिकेट से जुड़ी सभी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में इस बार दिखेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। आला और बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव के सिपाही। CISE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीख में किया बदलाव। मुख्यमंत्री के गुस्से को लेकर तेजस्वी यादव ने दी नसीहत। बिहार में बनने जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर। बिहार के किन्नरों के तरफ से सरकारी नौकरी की उठी मांग। तो चले बढ़ते हैं अब 25 बड़ी खबरों की ओर। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार पुलिस भी हुई सतर्क। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान अभी तक भले ही ना हुआ हो, मगर चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव को लेकर अब बिहार पुलिस भी मुस्तैदी के साथ तैयार हो गई है, जिसके तहत अब बिहार पुलिस ने सूचीबद्ध अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव के समय कोई भी अराजकता न फैला सके। इसको लेकर बिहार पुलिस ने नामजद लोगों से बॉन्ड भरवाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर SSP उपेंद्र शर्मा ने सभी जिलों में ऐसे लोगों को चिन्हित कर बॉन्ड भरवाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाए। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। ओडिशा लोक सेवा आयोग OPSC ने साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप बी के कुल मिलाकर 22 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो विश्व विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बैलिस्टिक्स, जीव विज्ञान, धारा विज्ञान तय किया गया है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के आसार। बिहार में मौसम में गर्मी का एहसास लोगों को फरवरी महीने से ही होने लगा था, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस साल भीषण गर्मी का सामना बिहारवासियों को करना पड़ सकता है। हालांकि अब मौसम वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वैसे मार्च के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी अपने तेवर में आ जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च से मई महीने तक गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। खगड़िया के सनहौली दुर्गा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया शहर से सटे सनहौली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है। श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ समझकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि 200 वर्ष पूर्व पंचायत के ही एक खेत जोतने के क्रम में मां दुर्गा की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को एक ब्राह्मण गोपी ठाकुर ने उठाकर अपने घर के निकट एक कुएं पर स्थापित कर दिया। मां दुर्गा की मूर्ति को कुआं पर स्थापित करने के बाद स्वप्न देखकर गोपी ठाकुर ने पंचायत के गणमान्य लोगों से इस पर बात की और बाद में गांव के लोगों के प्रयास से मूर्ति को कुएं से हटाकर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया। बिहार में अब अतिथि शिक्षक भी बनाए जा सकेंगे परीक्षक। मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका के जांच की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। मूल्यांकन को लेकर ही हाल ही में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत ये कहा गया है कि कॉपियों के मूल्यांकन में आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षक ही प्रतिनियुक्ति परीक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी आदेश जारी किया गया है कि मूल्यांकन के लिए भेजे गए विषयवार परीक्षकों की सूची में से कितने परीक्षक योगदान कर चुके हैं, इसकी सूची जल्द से जल्द जारी की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अब कॉपियों की जांच के लिए परीक्षकों की कमी होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी या मूल्यांकन केंद्र निदेशक स्वयं योग्य शिक्षक की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर परीक्षक के रूप में कर सकते हैं। रानीगंज में चिड़ियाघर बनाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने पटना के अलावा रानीगंज में एक नया चिड़ियाघर स्थापित करने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना में राज्य के एकमात्र चिड़ियाघर गांधी जैविक उद्यान के बाद रानीगंज में यह प्रदेश का दूसरा चिड़ियाघर होगा, जो 89 एकड़ भूमि में फैला होगा। नीरज का कहना है कि राजगीर में चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वहीं नीलगाय की बढ़ती संख्या को खतरा बताते हुए नीरज कुमार ने कहा कि उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। विभाग ने प्रजनन दर और संख्या की जांच करने के लिए स्थायी उपाय के साथ काम करने की बात भी कही है।
सीआईएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीख में किया बदलाव। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि सीआईएसई ने हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन संशोधित टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जो कि सभी परीक्षार्थी अब आसानी से सीआईएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.ciese.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले 5 मई से शुरू हो रही थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को 4 मई से शुरू किया जाएगा। केवल 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। नल जल योजना के तहत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बिहार में इन दिनों हर घर नल का जल पहुंचाने की तैयारी जोर शोर से हो रही है, लेकिन अभी भी नल से जल पहुंचने के बाद लोगों को इसके मरम्मत को लेकर परेशान होते देखा गया था। लेकिन अब बिहार सरकार आपकी इस परेशानी का समाधान निकालने वाली है, जिसके तहत नीतीश सरकार हर घर नल का जल योजना का बेहतर प्रबंधन करने के लिए अनुमंडल स्तर पर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर को अप्रैल से ट्रेनिंग दिलाने जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रशिक्षण पर 1,500 रूपये खर्च होंगे। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने एजेंसी का चयन कर लिया है। चालू वर्ष में 44,546 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य है। पीएमसीएच में अब पास लेकर जाना हुआ अनिवार्य। अस्पताल में सुरक्षा और सफाई को ध्यान में रखते हुए पीएमसीएच परिसर में कई नियम कानून को लागू कर दिया गया है। वहीं अब एक और नया सिस्टम लागू हो गया है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना पास के अपने इलाजरत परिजनों का हालचाल जानने अस्पताल परिसर में नहीं जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में भर्ती मरीजों के लिए एक अटेंडेंट के लिए पास सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा परिजन के मिलने के लिए समय सारणी भी बनाई जाएगी। यह नियम पीएमसीएच अधीक्षक की तरफ से सुरक्षा एजेंसी को भेज दिया गया है। आपको बता दें, इस बाबत हाल ही में एक बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि अब अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने आने वालों के लिए पास सिस्टम लागू किया जाएगा। अब शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए शिक्षकों को लेनी होगी छुट्टी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि शिक्षक उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए निकलते हैं, मगर बगैर छुट्टी लिए ही। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर ली है, साथ ही नियमों को भी लागू कर दिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने अपना आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब सभी शिक्षकों को छुट्टी लेने के बाद ही अधिकारियों से मिलने की अनुमति मिलेगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक सुशील कुमार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को आधिकारिक पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 40,000 किन्नरों ने पटना हाई कोर्ट में पेश की याचिका। पुलिस में बहाली की व्यवस्था के बाद किन्नरों ने फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की है, जिसके तहत हाईकोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस में तो ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दे दिया गया है, सरकारी नौकरी में क्यों नहीं। इसको लेकर राज्य में रह रहे 40,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने को लेकर कोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया है। ट्रांसजेंडरों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अगर सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण मिल गई है तो फिर अन्य विभागों में नौकरी क्यों नहीं। स्वर्गीय डॉक्टर को सिविल सर्जन बनाने का बिहार विधानसभा में उठा मामला। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक अनोखा वाक्य देखने को मिला, जिसके तहत बीते दिन सदन के दौरान एक स्वर्गीय डॉक्टर को सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित किया गया था, जिसके बाद क्या था, जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ राजद विधायक राकेश रोशन ने सदन में यह मामला उठाया और कहा कि यह गंभीर इशू है। राजद विधायक ने सदन में आरोप लगाया कि विक्रमगंज के चिकित्सा पदाधिकारी रहे रामनारायण राम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को जो आदेश जारी किया उसमें स्वर्गीय डॉक्टर को शेखपुरा का सिविल सर्जन बना दिया है। यह एक गंभीर इशू है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मामले को ज्ञान में रहते हुए तुरंत ही एक्शन लिया। बिहार के इस लाल को पहले ही फिल्म के लिए मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले राकेश सिन्हा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखते ही धूम मचा दिया है, जिसके तहत उनको पहले ही प्रयास के लिए भोजपुरी फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। जिले के लालकोठी मोहल्ले के रहने वाले राकेश सिन्हा ने अपने नाम इस कीर्तिमान को दर्ज किया है। आपको बता दें, राकेश ने हाल ही में आयोजित अयोध्या फिल्म महोत्सव में दिल्ली प्रेस उनके बहुचर्चित फिल्म जुग जुग जिया हो ललनवा के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम दर्ज किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 25 सालों से राकेश फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 1990 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए राकेश बिहार एसोसिएशन से जुड़कर एक्टर का काम भी करने लगे थे। पटना जू में अब मॉर्निंग वॉक करना होगा और ज्यादा महंगा। पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब आपको और ज्यादा पैसे देने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार मॉर्निंग वॉक के पास की दर में बढ़ोतरी की जा सकती है। जू प्रशासन की तरफ से इसके तकरीबन 200 से 300 रुपए प्रति पास शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जू प्रशासन ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। उनके मुताबिक पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने वालों पर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। पटना जू प्रशासन की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए 100 से 200 रुपए तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। वन विभाग
से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पटना जू प्रशासन की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को कमेटी के सामने रखा गया है और इसी महीने इस पर फैसला आने की उम्मीद है। सार्वजनिक स्थान पर अवैध तरीके से मंदिर निर्माण का सदन में उठा मुद्दा। बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सवाल जवाब का सिलसिला हर रोज देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में हाल ही में एक और मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया गया। विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान सीपीआई नेता केदारनाथ पांडे ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से मंदिर और मठ के निर्माण का मामला उठाया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से सरकारी भूमि पर मंदिरों और मठों का निर्माण होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और मंदिर के नाम पर बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके जवाब में विधि मंत्री ने भी अपना जवाब दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2013 में सरकार ने नियमावली बनाई है, ऐसे अतिक्रमणवाद के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक की कॉपियों की जांच की प्रक्रिया अब इस तारीख से होगी शुरू। इंटर के बाद अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक परीक्षा के कॉपियों की जांच अब जल्द ही शुरू होने वाली है। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच खत्म होते ही मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच होनी है। इसके लिए बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था की है कि अप्रैल के आखिर या मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए, जिसके तहत अब मैट्रिक परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन 12 मार्च से शुरू होने वाला है, जो कि 24 मार्च तक जारी रहेगा। परीक्षा समितियों की तरफ से भी कॉपी जांच की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मैट्रिक की परीक्षा में 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। उत्तर बिहार के 1236 वार्डों में नल जल योजना अभी भी लंबित। उत्तर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नल जल योजना की हवा निकल रही है। हालांकि योजनाओं को पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार भी सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और मुखियाओं को सख्त चेतावनी दी और कहा है कि 15 मार्च तक काम पूरा नहीं करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। खबरों के अनुसार उत्तर बिहार में कुल मिलाकर 1236 वार्डों में काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके तहत मधुबनी में 626, मुजफ्फरपुर में 163, दरभंगा में 145, सारण में 108, गोपालगंज में 94, सिवान में 59 और समस्तीपुर में 41 वार्डो में पेयजल निश्चय योजना लंबित है। इन जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च 2021 तक पेयजल निश्चय योजना पूर्ण कर ले। बिहार में मुखिया पंचायत का काम कंप्यूटर पर करेंगे। बिहार विधान परिषद में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नए मुखिया कंप्यूटर पर ही पंचायत में काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वार्ड सदस्यों को नल जल योजना की मरम्मत का कार्य देने पर भी सरकार विचार कर रही है। विधान परिषद में रीना देवी, मनोरमा देवी, संतोष कुमार सिंह, सलमान रागिब, संजय प्रसाद और रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की तरफ से वक्तव्य देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। सरकार वार्ड कमेटी को ताकत देकर विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तय करने पर भी विचार कर रही है। गलत तरीके से कार्य करने वाले 1563 वार्ड सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आला और बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव के सिपाही। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई के 13 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि हर दिन सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला है। इसी क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में गुस्सा होते भी देखा गया था, जिसके बाद बीते दिन तेजस्वी यादव के विधायक बीपी जांच मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे थे। पेशे से डॉक्टर विधायक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर की जांच करेंगे। दरअसल ये राजद की तरफ से तंज था, जो मुख्यमंत्री के नाराज होने के बाद आया था। 6 साल से कैद बुजुर्ग को पुलिस ने करवाया रिहा। अक्सर माँ बाप को अपने बुढ़ापे में संतान का सहारा होता है, लेकिन कई संतान ऐसे निकल जाती है जो माँ बाप को सहारा तो दूर देखना भी नहीं चाहती है। एक ऐसा ही वाक्य सामने आया है अररिया जिले के जोगबनी का, जहां एक बुजुर्ग को पिछले 6 सालों से एक कमरे में कैद करके रखा गया था। ये कारनामा उनके साथ उनके ही बच्चों ने किया था। रिहा होने के बाद बुजुर्ग ने बताया कि उनके बेटे उन्हें खाने को खाना तो दे देते थे, मगर कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे, जिसके बाद इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों ने मीडिया और पुलिस वालों को दी, जिसके बाद ही उन्हें इस कैद से रिहा किया गया। मुख्यमंत्री के गुस्से पर तेजस्वी यादव ने दी नसीहत। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद विधायक पर गुस्सा होते नजर आ रहे थे, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री के गुस्से को लेकर अपना बयान जारी किया है। इस बाबत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जब जब इंसान को गुस्सा आता है, तब तब उसकी कमजोरी का एहसास दिलाता है। जो समस्या का हल ढूंढते हैं वो क्रोध नहीं करते, जो क्रोध करते हैं वो समस्या का हल नहीं ढूंढते। वहीं राजद नेता भाई वीरेंद्र ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इतनी कम सीट मिली है, इसलिए वो बौखलाए होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद की गरिमा को समझे। हम सभी जनता की तरफ से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। महात्मा गांधी 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार आज के दिन हुए थे। भारत ने 1985 में बेंशन एंड हेजेज क्रिकेट विश्व कप आज के दिन जीता था। भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में 2010 में महिला आरक्षण विधेयक आज के दिन पारित हुई थी। 1932 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष उडप्पी रामचंद्रन राव का जन्म आज के दिन हुआ था। सौरभ गांगुली ने ऋषभ पंत को लेकर जारी किया अपना बयान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन पारी खेलने वाले ऋषभ पंत की पारी की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मैंने पंत को बहुत करीब से देखा है और मैं मैच विनर खिलाड़ियों पर भरोसा करता हूं। जो दिन उनका होता है उस दिन वो अकेले ही मैच जिता सकते हैं। ऋषभ पंत ऐसे ही खिलाड़ी हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने पहले भी ये कहा है, अगर वो क्रीज पर 5 से 6 ओवर रहते तो भारत सिडनी टेस्ट जीत सकता था। वो एक गेम चेंजर है। मुझे मैच जिताने वाले खिलाड़ी पसंद है। मेरे समय में सहवाग, युवराज और धोनी थे। द फैमिली मैन 2 के रिलीज को लेकर उड़ी अफवाहों पर भड़के मनोज बाजपेयी। वेब सीरीज द फैमिली मैन के दूसरे पार्ट का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस सीरीज के पहले पार्ट की सफलता के बाद दूसरे पार्ट को लेकर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे थे। हालांकि सीरीज के दूसरे पार्ट को फरवरी में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन तांडव को लेकर उठे विवाद के कारण ही इसके रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद से अब कई दिनों से ऐसी अफवाहें सुनने में आ रही है कि सीरीज को रिलीज नहीं किया जाएगा, जिस पर अब मनोज बाजपेयी ने भी रिएक्ट किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कौन है वो सूत्र, बिना सच्चाई जाने बकवास आर्टिकल छापे जा रहे हैं। अगली बार अमेज़न से या सीरीज के डायरेक्टर से बात कीजिएगा, ना कि इन सूत्रों से। शुक्रिया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,690 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,690 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,020 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.52 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.67 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अजय भारती, करण कुमार, मिस्टर कुमार, रविंद्र पासवान, दीपक कुमार, रीता देवी, बिट्टू कुमार यादव, अभिषेक पटेल, ललित कुमार, संदीप कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, आर्यन सत्या, पंकज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में उद्योग लगाने से पलायन की संख्या में कमी आएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।